दिल्ली में प्रदूषण गुरुवार को बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। यहां 39 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस में से 32 ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को गंभीर बताया है। इस हवा में सांस लेना भी मुश्किल होता है। यहां सभी प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि CAQM यानी एयर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने NCR यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाली बसों के दिल्ली आने पर रोक लगा दी है। CNG और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ BS4 डीजल बसों को इसमें छूट दी गई है। इस बीच अमेरिकी साइंटिस्ट हिरेन जेठवा ने 14 नवंबर को दिल्ली की सैटेलाइट इमेज शेयर की है, जिसमें दिल्ली में घना स्मॉग दिखाई दे रहा है। हिरेन अमेरिका की मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में एरोसोल रिमोट सेंसिंग साइंटिस्ट हैं। हिरेन की फोटोज NASA ने भी शेयर की है। राजधानी में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए प्रदूषण के स्तर को 4 कैटेगरी में बांटकर देखा गया है। हर स्तर के लिए पैमाने और उपाय तय हैं। इसे ग्रेडेड एक्शन प्लान यानी ग्रैप कहते हैं। इसकी 4 कैटेगरी के तहत सरकार पाबंदियां लगाती है और प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है। ग्रेप 1 खराब श्रेणी में आता है, जिसका AQI 200 से 300 के बीच होता है। वहीं ग्रेप 2 की बात करें तो वो बहुत खराब श्रेणी में आता है, जिसका AQI 301 से 400 के बीच में होता है। ग्रेप 3 गंभीर श्रेणी में आता है, जिसका AQI 401 से 450 और ग्रेप 4 जो बहुत गंभीर श्रेणी में आता है, जिसका AQI 450 से ज़्यादा होता है।